Jordan Camolli. Love is touch. सो गाइस, काफ़ी लंबा वक्त हो गया था मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया था, और वैसे आज सालों बाद नया वीडियो लेके आया हूँ अपने नए गेमिंग पीसी सेटअप के बारे में, जो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही बिल्ड किया था। वैसे तो गाइस, बहुत मेहनत की है यार इस वीडियो के लिए। 200 लाइक्स पूरे करवा दो, और चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस, जो कैबिनेट मैंने इस गेमिंग रिग के लिए चूज़ किया है वो है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली उनकी K51L सीरीज़, जो कि एक बहुत बेहतरीन कैबिनेट है, और मैं इसमें फ्यूचर अपग्रेडेशन वैसे करूँगा। ये टॉप के साइड में मैं AIO कूलर इंस्टॉल करूँगा, जिससे मेरा सेटअप और ज़्यादा RGB और आई कैचिंग लगेगा। एंड यू नो आई लव RGB। सो आगे बढ़ते हैं। जो मदरबोर्ड मैं यूज़ करता हूँ वो है ASRock की तरफ से आने वाली B450 स्टील लेजेंड, विच इज़ आई कैन से द किंग ऑफ RGB मदरबोर्ड्स। आई एम लिटरली इन लव विद दिस मदरबोर्ड। सो गाइस, RGB की कमी नहीं है इसमें। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो मैंने यूज़ किया है वो है AMD की Ryzen 3 3300X, जो कि एक 4-core 8-thread CPU है। साथ ही साथ RAM में टोटल 16GB की यूज़ करता हूँ, डुअल चैनल 8GB की। और इस प्रोसेसर के साथ जो मैंने GPU पेयर किया है वो है गैलेक्सी की तरफ से आने वाली NVIDIA की GTX 1650 Super, जो कि 4GB की VRAM के साथ आती है। अब भाई, मैं इस प्रोसेसर और GPU कॉम्बो के बारे में क्या ही बताऊँ। जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलती है इस कॉम्बो के साथ, चाहे मैं कोई भी गेम खेलूँ, चाहे वो फोर्टनाइट हो, चाहे GTA 5 हो, चाहे नीड फॉर स्पीड पेबैक जैसी कोई भी हैवी गेम हो, ये कॉम्बो के साथ आराम से मुझे 60+ FPS मिल ही जाती है विद अल्ट्रा सेटिंग्स। और ये जो रिग है ये मैंने स्पेशली गेमिंग को ध्यान रखते हुए बनाया है, और एडिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो एडिटिंग भी हो ही जाती है, क्योंकि ये जो CPU है ये 4-core और 8-thread के साथ आती है, तो CPU हैंडल कर लेता है। और गेमिंग के मामले में अगर मैं बात बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इस रिग के बारे में जितने लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें अच्छी खासी एडिटिंग कर पाऊँगा या अच्छी खासी गेमिंग कर पाऊँगा, कितनी FPS मिलेंगे मुझे गेम्स में, तो मैं बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी गेमिंग रिग की बेंचमार्क टेस्ट लेके आऊँगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बात अगर करते हैं पेरिफेरल्स की, तो मैं लॉजिटेक की मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करता हूँ। मैंने इसे अपग्रेड नहीं किया है बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट, बट माउस मैंने अपग्रेड किया है, दैट इज़ स्टील सीरीज राइवल 110। इसमें भी ढेर सारा RGB मुझे मिल जाते हैं, और मैं इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। आगे अगर बात करते हैं मेरे इंटरनेट सेटअप की, तो यहाँ टेबल के नीचे मेरा जियो फाइबर सेटअप है, जो लैन के थ्रू कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर से, और स्पीड इसके आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, ये काफ़ी है मेरे डे टू डे यूसेज को सेटिस्फाई करने के लिए। वेल, मेरे टेबल पे एक 3x3 रूबिक्स क्यूब भी पड़ा रहता है, जिसको मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए घुमाते रहता हूँ। और अगर बात करते हैं मेरे प्लेबैक सिस्टम के लिए, तो पहले मैं 2.1 चैनल स्टीरियो स्पीकर्स यूज़ करता था, बट अब मैं उसके जगह JBL गो स्पीकर्स यूज़ करता हूँ, जिसकी साउंड क्वालिटी आपके सामने होगी अभी। सो पुट ऑन योर हेडफोन्स। बात करते हैं अगर मॉनिटर की, तो मॉनिटर में अभी भी डेल का 21 इंचेस TN पैनल डिस्प्ले ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने इस मॉनिटर को अपग्रेड नहीं किया, इसके दो रीजन्स है। पहला कि ये मॉनिटर अभी तक बहुत रिलायबल है और कन्वीनियंट है, इसमें अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे। दूसरा कि मेरे पास इतना टेबल स्पेस नहीं है कि मैं इससे बड़ा 24 इंचेस का 144Hz डिस्प्ले लगा सकूँ। सो ये दो रीजन्स थे। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मेरा सेटअप कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यार सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। टिल देन, दिस इज TFS साइनिंग ऑफ एंड रोल द आउट्रो।